क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी समझिए, झारखंड में मैया सम्मान यात्रा शुरू योजना शुरू होती है तो बीजेपी वाले कोर्ट में केस कराते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब जाकर के वोट मांगना होता है तो वहां जाकर के मां सम्मान योजना की घोषणा करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे और वो भी ईद में देंगे। तो झारखंड में आके कुछ कहना, जम्मू कश्मीर में जाके कुछ कहना, ये तमाम तो ये और योजना ये योजना ठीक है। और ये योजना मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं को 1500 रुपये दे रही है, कर्नाटका में भी महालक्ष्मी योजना जो इस प्रकार से, उसमें कांग्रेस की सरकार वहाँ जो है वो 2000 रुपये दे रही है, और झारखंड में भी मुझे पूरा भरोसा है कि जो न्यायालय से लड़ करके हम लोग 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पर बकाया है जब वो ले करके आएंगे तो इसकी राशि को भी दुगनी करेंगे। अच्छा, ये एक बात ये है कि इसमें इस तरह का फ्री बीज अगर बांटे जाएंगे तो आखिर एक्सचेकर पर क्या उसका दबाव पड़ेगा और नहीं, उसे फ्री बीज कैसे मानते हैं? जिन महिलाओं को यह पैसा मिल रहा है, आप देखिए तमाम वो महिलाएं घरेलू हैं, वो अपने घरों में अपने बच्चे परिवार बुज़ुर्गों की देखरेख करती हैं, शिक्षित होने के बावजूद वो अपना घर संभालने का काम करें, ज़्यादातर वैसी महिलाएं हैं। इन महिलाओं के श्रम का कोई आकलन आज तक नहीं हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के जो इस योगदान जो समाज, ये सिर्फ वो अपना परिवार नहीं देखती हैं, एक अच्छा समाज कैसे बने, एक अच्छा देश कैसे बने, उनके इन प्रयासों को सराहने का कोई प्रयास नहीं हुआ। और मैं मानती हूँ कि अगर घर में कोई महिला अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, बुज़ुर्गों की सेवा कर रही है, तो उसका आर्थिक आकलन कभी अगर नहीं हुआ तो अब तो ज़रूर होना चाहिए।